हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और यहाँ पे जो ये वीडियो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पक्षों की स्वतंत्र सहमति फ्री कंसेंट, जिसके अंदर हम फ्रॉड को कवर करेंगे, कपट को कवर करेंगे, जिसके अंदर सेक्शन 17 के अंदर कपट का मतलब क्या है, कपट के लक्षण क्या है, कपट का प्रभाव क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। उसी के साथ ही शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर पूरा का पूरा जो बिजनेस लॉ है वो हिंदी के अंदर उपलब्ध है। शशि अग्रवाल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वही हिंदी मीडियम के अंदर अवेलेबल होंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉड, जिसको हम धोखाधड़ी भी कह सकते हैं, कपट का मतलब क्या होता है। धारा 17 के मुताबिक जब अनुबंध के अंदर एक पार्टी जो होती है, एक पक्षकार जो होता है, या उसकी साजिश के साथ एक पक्षकार द्वारा अथवा उसकी अपेक्षा से या उसके प्रतिनिधि द्वारा जो दूसरी पार्टी है या दूसरी पार्टी का जो प्रतिनिधि है धोखा देने के उद्देश्य से उसको अनुबंध के लिए प्रेरित करना, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो है यहाँ पे कपट हुआ है। तो ये निम्नलिखित कार्यों में से कोई ऐसे कार्य करना ताकि दूसरा पार्टी जो है वो पहली पार्टी के साथ अनुबंध कर ले, जैसे किसी ऐसी बात को जानबूझकर सत्य बताना जो सत्य नहीं है, जो बात झूठी है लेकिन उसको सत्य बताना और जिसको बताने वाला भी सत्य नहीं मानता, किसी व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का छुपाना, और वो तथ्य जो होता है उस वन के अनुबंध के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, और ऐसा कोई वचन देना जिसको पूरा ना करने का अभिप्राय हो, और कोई भी ऐसा कार्य करना जहाँ पे होना कि धोखा देने के आशय से कोई काम करना, कोई भी ऐसे कार्य अथवा भूल जिसको राज निजम विशेष रूप से फ्रॉड मानता है। देखो, कुछ सिचुएशन के अंदर, कुछ परिस्थितियों के अंदर मौन रहना भी कपट होता है। धोखाधड़ी में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से, जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं कि इनमें से कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जो किया गया है ताकि दूसरा व्यक्ति उसके साथ अनुबंध में बन जाए। धोखाधड़ी किसी अनुबंध के पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को धोखा देने से या ऐसे पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया है, तो यहाँ पे वो धोखा जो है जानबूझकर किया गया है। तो यहाँ पे हम एक केस देखते हैं, रामबाई वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति था, 60 वर्ष से अधिक आय का जो व्यक्ति है, बीमा योग आय से वो परे होता है, वो बीमा नहीं ले सकता, लेकिन उसने बीमा पॉलिसी लेने के लिए कहा कि मेरी जो उम्र है वो 48 वर्ष की है, तो ये धोखाधड़ी है क्योंकि उसकी उम्र 60 वर्ष की थी बट उसने बताया 48 वर्ष, और जिसके बेसिस पे उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस अनुबंध से बचने की हकदार है, इस अनुबंध को चाहे तो वो रद्द कर सकती है। तो फ्रॉड के अंदर देखो, धोखाधड़ी के अंदर जब सहमति जो है कपट से प्राप्त की गई हो तो ये जो सहमति होती है स्वतंत्र नहीं होती। जिस पक्ष की सहमति जो होती है धोखे से ली गई है उसके विकल्प पर इसको व्यर्थनीय करार दिया जा सकता है, ये धारा 19 समय बताती है, जो हम डिटेल के अंदर अगली स्लाइड्स के अंदर जो है देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कपट के लक्षण क्या है। देखो, धोखाधड़ी का कार्य, देखो ये जो काम है अनुबंध के एक पक्ष, अनुबंध के एक पार्टी या उसके एजेंट के द्वारा किया जाता है। कपट का कार्य एक पक्ष या अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा भी किया जा सकता है, जैसे रीसा रेवर सिल्वर माइनिंग कंपनी वर्सेस स्मिथ का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में कंपनी के जो संचालक थे उन्होंने प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित किया जिसके अंदर मिथ्या वर्णन झूठ बताया गया था, जिससे प्रेरित होकर शेयर होल्डर ने शेयर खरीद लिया। तो ये निर्णय दिया गया ये अनुबंध जो है शेयर होल्डर की इच्छा पर वॉइडेबल है, व्यर्थनीय है, क्योंकि जो कंपनी के संचालक होते हैं
वो कंपनी के बिहाफ पे प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो वो कंपनी के एजेंट हैं। कपट का जो मतलब है, जो हमने कपट किया है उसके पीछे जो उद्देश्य है वो पूरा का पूरा जो है धोखा देने के उद्देश्य से किया होना चाहिए। कपट धोखा देने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए और दूसरे पक्षकार को वास्तव में धोखा होना चाहिए। कोई ऐसा काम जिसका उद्देश्य धोखा नहीं है फिर भी दूसरे पक्ष को धोखा हो जाता है तो कपट नहीं माना जाता, और अगर कपट के कार्य से दूसरे पक्ष को धोखा नहीं हुआ तब भी वो अनुबंध को रद्द नहीं कर सकता। कपट यहाँ पे कपट का पूरा जो होता है हमने दूसरे बंदे को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे ए ने, इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे ए ने पशु चिकित्सा में एक अस्वस्थ, मतलब एक घोड़ा था जो था बीमार था, जो सही नहीं था, स्वस्थ नहीं था, उसके स्वस्थ होने का झूठा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। उसने इस प्रमाण पत्र को अस्तबल के प्रवेश द्वार पर लगा दिया। बी ने प्रमाण पत्र के विश्वास पर उस घोड़े को खरीद लिया, तो ये कपट माना जाएगा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट पढ़े बिना ही घोड़ा खरीद लेता तो कपट हुआ ही नहीं। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे उसने प्रमाण पत्र पढ़ा ही नहीं, उसने घोड़ा खरीद लिया और पूछा भी नहीं कि स्वस्थ है क्या अस्वस्थ है, तो यहाँ पे वो अनुबंध को रद्द नहीं कर सकता। बट अगर उसने प्रमाण पत्र के बेसिस पे लिया है तो यहाँ पे वो अनुबंध को रद्द कर सकता है। धोखा अनुबंध के पक्ष या उसके एजेंट के विरुद्ध किया जाना चाहिए। देखा अनुबंध के पक्ष के विरुद्ध हो यह आवश्यक नहीं है, वो उसके एजेंट के विरुद्ध भी हो सकता है। कपट जो है धोखाधड़ी केवल उसी दिशा में माना जाएगा जब एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष के समुख इस तरह से बात को बताता है जो कि सही नहीं होती, मिथ्या वर्णन होता है, झूठ होता है कि वो उसके साथ अनुबंध कर ले। और उसी तरह क्या होता है कि बिना हानि के कोई कपट नहीं होता, तो दूसरे पक्षकार को कुछ हानि होनी चाहिए। बिना हानि के कपट नहीं होता, बिना हानि के कपट या बिना कपट के हानि होने पर कोई पार्टी जो है मुकदमा नहीं कोर्ट के अंदर जा सकती। अब हम देखते हैं कपट का प्रभाव क्या है। देखो जो पीड़ित पक्ष है जिसके साथ कपट हुआ है, जिसकी सहमति स्वतंत्र नहीं है, तो उसके पास पूरा अधिकार है, वो चाहे तो अनुबंध को रद्द करने का अधिकार उसके पास प्राप्त है। अगर वो अनुबंध की पुष्टि करता है तो वो दूसरे पक्षकार को अनुबंध की शर्त पूरे करने के लिए मजबूर कर सकता है। किंतु कपट की जानकारी हो जाने पर यदि वो अनुबंध को रद्द करने की इच्छा प्रकट नहीं करता तो वो अनुबंध की पुष्टि करने या रद्द करने का अधिकार खो बांटता है। कपट के लिए वाद प्रस्तुत होने पर वही दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि जब उसे कपट की जानकारी हो जाती है तो वो अनुबंध जो होता है व्यर्थ नहीं होता है, तो उसको या तो वो अनुबंध को रद्द करने की इच्छा हो या उस अनुबंध की पुष्टि, अगर वो कुछ भी नहीं करता तो उसके पास वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। अनुबंध रद्द करने की दिशा में वो अगर उसने कोई प्रत्यस्थापन की मांग कर सकता है, अगर उसने अंतर्गत कोई धन या संपत्ति दूसरे पक्षकार को दी है या हस्तांतरण की है तो उसे वापस पाने का उसको पूरा अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त यदि उसे कोई हानि हुई है तो वो भी उससे प्राप्त करने का अधिकारी है।